Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes, beta, have you read the chapter or the topics that I have given to you? These are the meaning of democracy and goals of democracy. Okay, what is the democracy? In our country, we have opted democratic setup. हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है, उसको हमने ऐड कर लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ये एक गवर्नमेंट ही नहीं है, ये जीने का एक तरीका है. इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. हाउ? It teaches us to provide equal opportunity to everyone without any discrimination. Okay, ये हमें opportunity देती है कि हम हर काम में equally participate करें और बिना किसी discrimination के, बिना किसी भेदभाव के. Okay, and all the decisions are taken by the discussion. ठीक है, discussion के through ही सारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं. ओके, देयर आर सम गोल्स आल्सो. गोल क्या है डेमोक्रेसी के? दैट ऑल द प्रॉब्लम्स थ्रू शुड सॉल्व थ्रू डिस्कशन. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कशन के थ्रू सॉल्व किया जाना चाहिए. ओके, इट आल्सो शोज द ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी. ये सोसाइटी के हर पार्ट के छोटे बड़े चेंजेस को शो करती है. एंड इट एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. इसका एम है कि हर तरफ इक्वालिटी हो, वेदर इट इज़ अ सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. ओके, एंड इट आल्सो मेंटेन हारमोनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी. हारमोनी मींस मिलजुल कर रहना, और बैलेंस, बैलेंस पता है ना आपको, इक्वल होना. तो ये इक्वालिटी रखती है, और हारमनी यानी कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहने में मोटिवेट करती है. ओके, इट आल्सो इनकलकेट द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स. ये लोगों में रूल्स को फॉलो करने की जो हैबिट है उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कि पर्सन्स जो हैं वो लॉ को, जो रूल्स को फॉलो करें. ओके, तो डेमोक्रेसी इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे अंदर इनकलकेट करती हैं, यानी कि डालती हैं. इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग पीस. ये पीस मेंटेन करने में भी हमें हेल्पफुल होता है. ओके, एंड इट्स मेन गोल इज़ द वेलबींग ऑफ ईच इंडिविजुअल. हर पर्सन को बहुत अच्छे से ग्रो किया जाए. एंड This is about the goals of democracy. Okay, now let's read about representative democracy. What is representative democracy? Two types की democracy होती है बेटा, एक direct democracy और एक representative democracy. Direct democracy क्या है कि जैसे हम class में voting करवाते हैं ना, 40 students होते हैं, वो 40 किसी भी टॉपिक पर अपने हैंड रेस करते हैं. जैसे मैम यही क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आज चैप्टर पढ़ना है या रिवीजन करनी है, तो वहाँ पर बैठे बच्चे अपना हैंड रेस करेंगे अलग अलग बात के लिए. तो दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. वेरी गुड, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हमें प्रिंसिपल सर के पास जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या 40 के 40 स्टूडेंट्स जाएंगे? नो, वेरी गुड. हम या तो अपने मॉनिटर को भेजेंगे, और वी विल डिस्कस विद आर टीचर, कि टीचर जाकर प्रिंसिपल सर से बात करें. यही करेंगे हम, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए. ओके, टीचर और मॉनिटर जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए. क्लियर? तो ये है डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नाउ लेट्स रीड. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री
एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइज अ मेथड फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री। यहाँ पर अलग अलग एरिया से लोग बिलोंग करते हैं एंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू चूज अ मेथड फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ऐसा कोई मेथड सोचना कि सबको वोटिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, सो आर कंट्री सिस्टम स्टार्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारा जो कंट्री का सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक ऑप्शन है, एक प्रोविजन है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ। अब इतने सारे लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर, इलेक्शंस में, तो क्या हम सभी लीडर्स के साथ हैं? नो, हम अपनी पसंद के अपने जैसे ही किसी पर्सन को वोटिंग करते हैं और सेम जो जीतता है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ओके, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है जिसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। कि डेमोक्रेसी में जो कॉमन पर्सन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग चुनकर या इलेक्ट होकर आगे जाते हैं एंड द अदर्स जस्ट वोट देम, बाकी सब उन्हें वोटिंग करते हैं। ओके, सो बाय दिस वे दे इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है डेमोक्रेसी। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू गवर्न देयर कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मेक लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पर्सन्स हैं वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड कॉमन पीपल जो है वो क्या करता है, अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है एंड आफ्टर दैट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉज मेंटेन करते हैं, वर्क करवाते हैं लोगों को। ओके, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क करती है। ओके, नाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन, हाउ पीपल पार्टिसिपेट, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ केस, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन और हेल्थ। राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज गिवन टू द एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस राइट फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में जितने भी पर्सन्स 18 ईयर से अबव हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन,
वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट कर सकते हैं, ओके, बट दे ऑल शुड बी द एडल्ट, ठीक है, वो बड़े होने चाहिए, 18 ईयर्स से बड़े एज में, एंड दिस राइट फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो राइट हमें दिया गया है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर यूज़ किया जाता है, ओके। पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन आफ्टर द इलेक्शंस, इट इज़ ऑल्सो टू बी सीन व्हेन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लोगों की पार्टिसिपेशन यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया एंड दैट्स इट, जो मर्जी करते रहे, कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है, ओके। इन डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड, दे ऑल्सो गार्ड देयर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम गिवन टू देम बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They just closely watch the activities of various departments, okay, and if there is a need to guard their own rights, so they just raise their voice regarding the activities of government, okay, clear? So beta, that's it for today.